जो बहुत सारी हमारी 50% से ज्यादा तो हमारी FIR ही दर्ज नहीं होती है जो एट्रोसिटीज के खिलाफ। हमारे लोगों को मूछे रखने पर उनको चाकू से गोद दिया जा रहा है, अच्छे कपड़े पहनने स्कूटर चलाने या अच्छी तनख्वाह कमाने पर गांव देहातों में उनके साथ अपमान हो रहा है, उनको जूतों में वो अपना यूरिन भी पिलाया जा रहा है। और पुजारी आप ही बने रहो, हमें मंदिर में जाने का कोई शौक नहीं है पुजारी बनने का, और तुम ही भगत, तुम ही पुजारी और तुम ही प्रसाद देने वाले, तुम ही रहो ना। तो हम तुम्हारे मंदिर में हम जाना चाहते हैं, ना हम पुजारी बनना चाहते हैं, ना तुम्हें हमें उसमें हमें कोई इंटरेस्ट अब बचा नहीं है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। आज जो संविधान चालीसा यहाँ पर पढ़ी जा रही है वो क्यों पढ़ी जा रही है, अभी हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी हैं, उन्हीं से जानते हैं। तो अशोक अज्ञानी जी, आज संविधान चालीसा यहाँ पर पढ़ी जा रही है, मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक तरफ जय श्री राम के नारे लगाकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वहाँ पर हिंदू फ्रंट का जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ यहाँ पर संविधान चालीसा पढ़ी जा रही है। पहले संविधान चालीसा पे हम बात कर लेते हैं, फिर हिंदू फ्रंट की भी हम बात करेंगे। तो ये क्या कुछ है संविधान चालीसा? जी देखिए, संविधान चालीसा में हमने 40 वो अनुच्छेद जो भारत के SC ST और महिलाओं के और वर्किंग क्लास के जो अधिकार हैं, मूल अधिकार, तो वो जो उनको शक्ति देते हैं, जो उनको उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको हिस्सेदारी देते हैं भारत की उसमें संसाधनों में, नौकरियों में, हर चीज़ में, और उनको सुरक्षा देते हैं, वो हमने उस संविधान चालीसा में वो 40 अनुच्छेद हमने उसमें डाले हैं। और एक संविधान चालीसा हमने लिखा भी है जिसको कि हमें गया हमारे साथियों ने, और हम इसका प्रचार करने इसीलिए बैठे हैं कि भाई कोई हिंदू राष्ट्र मांग रहा है वो भी संविधान के इसमें, क्योंकि उनको आर्टिकल 19 में हर किसी को अपनी बात रखने का, पीसफुल तरीके से अपनी बात रखने का, अपनी मांग रखने का अधिकार है। लेकिन ये बात इनको समझनी चाहिए कि वो संभव नहीं है, क्योंकि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष और एक अलग अलग तमाम वर्गों का विविधता में एकता, अनेकता में एकता का देश है, और उसको सबको मिला करके ये भारत बना है, सारे इसको बना करके अपने सारे वर्गों को, सारी भाषाओं को, पूरे देशों को मिला करके, तो हिंदू राष्ट्र बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मांग तो कोई भी कुछ कर सकता है, और हम यहाँ बैठे हैं कि हमारे SC ST के युवाओं के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, जैसे शिक्षा और रोजगार, उसकी लिखित गारंटी जो संविधान में, तो यहाँ की सरकारों को भी देनी चाहिए। दूसरी ये कि दूसरी हमारा निजीकरण में आपने सब बेच दिए, प्राइवेटाइज कर दिए, तो जो हमारा रिजर्वेशन था कॉन्स्टिट्यूशनल, जो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, उसका अल्टरनेटिव धीरे बिना आपने बेचा है, प्राइवेट कर दिए, तो प्राइवेट सेक्टर में हमें उसमें हिस्सेदारी चाहिए 22.5%, जो आप ही ने तय की है वो 22.5% हमें हिस्सा चाहिए। और हम ये कह रहे हैं कि संविधान को पूरे ओवरऑल पूरे शक्ति के साथ उसको लागू किया जाए, भारत के संविधान को, ये हमारी मांग है। और संविधान चालीसा का सीधा अर्थ है कि SC ST के लोगों को, उनको संविधान की उनकी शक्तियाँ बताई जाएँ, उनको शपथ दिलवाई जाए, एक शपथ भी हम दिलवाते हैं संविधान को बचाने की, क्योंकि संविधान जिस तरह से ये नए नए कानून ला करके ला रहे हैं और उन कानूनों में SC ST के राइट ख़त्म हो रहे हैं, उनको ख़त्म हुए जा रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए, बताने के लिए हम यहाँ पर संविधान चालीसा का उल्लेख कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, हम जगह जगह जा रहे हैं। तो हम और हर 2 महीने में हम जंतर मंतर पे आके अपनी उपस्थिति, जो हमने 25 सूत्री मांग पत्र 14 मई को दिया था भारत सरकार को, वो हम कह रहे हैं कि भाई अभी हम यहाँ उपस्थिति है और हमारे उनको लागू करो। और हमने मांग की है कि हमारे डेलीगेशन के साथ, 11 सदस्य डेलीगेशन के साथ हमारी मांगों पर सरकार चर्चा करे 1-to-1, क्योंकि हम क्यों मांग करें, हमने अलग से तो मांग नहीं करी, जो संविधान में हमारे अधिकार लिखे हैं वो हमने मांग करी है। तो ये संविधान चालीसा का मकसद है, अपने अधिकार बताना, और हमारा अधिकार बताने के बाद हम उसको आगे लोगों को अवेयर कर रहे हैं जी। अभी आपने संविधान की बात की, संविधान का अधिकार भी जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं उनको भी मिला है, तभी वो लोग यहाँ पर आज सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संविधान ही सबको जो है दायित्व देता है, सबको इस तरीके की शक्ति भी देता है और सबका अधिकार भी है, लेकिन जो हिंदू लोग हैं वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने से पहले ये जो दलित मुस्लिम आप लोग कर रहे हैं ना, ये दलित को कहाँ मारा जा रहा है, समानता का अधिकार दिया जा रहा है। तो उनकी नज़रों से तो समानता का अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन एक तरफ यहाँ पर आप बोल रहे हैं समानता का अधिकार नहीं है। देखिए, ये तो उन्हीं का जो क्राइम रिपोर्ट, उनका ब्यूरो है भारत सरकार का, उसी के उससे कि हर साल जो एट्रोसिटीज़ हैं SC ST के ऊपर बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जो डाटा, जो FIR वहाँ दर्ज होती हैं, सिर्फ उन्हीं का डाटा के आधार पे वो बोल रहे हैं, ह्यूमन राइट कमीशन बोल रहा है। और दूसरी बात ये कि जो बहुत सारी हमारी 50% से ज़्यादा तो हमारी FIR ही दर्ज नहीं होती हैं जो एट्रोसिटीज़ के खिलाफ, क्योंकि जिन उनको हाईलाइट हो जाते हैं मुद्दे, जैसे हमारे दलित संगठन है वो जाके हाईलाइट कर देते हैं, तो वो तो दर्ज हो जाती हैं।
जो जाम नहीं पहुंच पा रहे हैं उन्हीं दर्ज हो रही हैं, तो हमारे एट्रोसिटी बढ़ रही हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हमारे बच्चों को स्कूल में पानी प्रिंसिपल या जनरल टीचर के घड़े से मटके से पानी लेने पे मार दिया जा रहा है, हमारे लोगों को मूछे रखने पर उनको चाकुओं से गोद दिया जा रहा है, अच्छे कपड़े पहनने स्कूटर चलाने या अच्छी तनख्वाह कमाने पर गाँव देहातों में उनके साथ अपमान हो रहा है, उनको जूतों में वो अपना यूरिन भी पिलाया जा रहा है। इस तरह की रोज़ खबरें आ रही हैं और सोशल मीडिया होने से हमें पता चल पा रहा, उससे पहले हमें पता नहीं चलता था। तो इसीलिए हमें चाहते हैं कि हम ये जो कह रहे हैं ये अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन एस सी एस टी को हम कह रहे हैं जो 35 करोड़ आप इस देश में 35 करोड़ लोग हो यहाँ पर, आप अपने आकर के अपना एक अलग वर्ग अलग पॉलिटिकल वो बना करके अपने संविधान को बचाने की कवायद करो, क्योंकि तो गुमराह कर रहे हैं वो, तो हमें भी कह रहे हैं कि तुम भी जय श्री राम बोलो, तुम भी श्री राम के भगत हो, लेकिन हम आज पढ़ लिख करके हमें पता है कि हमें जो अधिकार मिले हैं संविधान से मिले हैं, आज जो हम बढ़िया कपड़े पहन करके यहाँ खड़े हैं, बोलने का अधिकार हमें मिला है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं या अपने मांग पत्र सरकार को दे रहे हैं, सब हमें भारत के संविधान से मिला और उस संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने नया संविधान बना दिया है। एक नया जो है दौरे दौरे घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, गरीबों के बीचों में जा रहे हैं, और अब ये सुनने में भी आ रहा है कि भैया अब जो मंदिर का पुजारी जो होगा ना वो शूद्र और दलित होगा। हाँ देखिए प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, ये तो लॉलीपॉप देते हैं ना। अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने, जब पहले प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 2014 का चुनाव कैंपेन था, इन्होंने लाल किला, नकली लाल किला बना करके उस पर कहा मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और जब ये प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले लाल किला भेज दिया। अभी 15 अगस्त को इन्होंने महिलाओं के लिए बढ़िया बढ़िया टिप्पणी करी उस पर लाल किले पर खड़े होकर के, और शाम होते होते जो शाह बानो है उसके जो कातिल हैं 10-12 जो होते हैं जेल में उनको रिहा कर दिया, जिनको सजा हो रखी है, सजा काट रहे हैं उनको रिहा कर दिया गया शाम होते होते। और अब इन्होंने कहा मजदूरों की बात की, अभी इन्होंने ये सेंट्रल बिस्ता इन्होंने यहाँ पर भाषण दिया, मजदूरों ने बढ़िया काम करा, मैं उनको बुलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, संसद बुलाऊंगा, और शाम होते होते 4 लेबर कोड लागू कर दिए, उनके जो 25 कानून थे प्रोटेक्शन के लेबर के उनके ख़त्म कर दिए। उसी तरह ये जो अब कर रहे हैं, इनको 2024 जीतना है। अब जिस तरह से एस सी एस टी के अलग अलग मूवमेंट चल रहे हैं और 35 करोड़ लोग समझ गए कि हम हिंदू नहीं हैं, और हम इनको 10 साल हो गए आज तुम्हें सत्ता दिए हुए मोदी जी को, हमारी ठेकेदारी ख़त्म नहीं हुई, हम परमानेंट नहीं हुए, हमारे जो आप जो वो कानून बना रहे हो उन कानूनों को वो आप वो करके उसको कर रहे हैं, नए नए कानून ला के एस सी एस टी के अधिकार को ख़त्म कर रहे हैं, तो इसलिए उन अधिकारों को हम सब प्रचार कर रहे हैं, संविधान चालू सा लागू हो गया, तो इनको पता भी एस सी एस टी हमें वोट नहीं देगा या बहुत कम उसमें देगा, तो अब ये नया इन्होंने डाल दिया कि पुजारी एस सी एस टी बनेगा। भाई पुजारी आप मत बनाओ, मैं इनसे हमेशा से कह रहा हूँ हमें पुजारी मत बनाओ, हमारे जो लोग 20-20 साल से ठेकेदारी में कच्चे काम कर रहे हैं उनको पक्का कर दो, हमें एक एक एकड़ जमीन दे दो, हमें गांव में खेती की, और हमें आप हमें घरों के लिए 500 गज की ज़मीनें दे दो, और हमें व्यापार में हिस्सा दे दो, हमारे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दे दो, और पुजारी आप ही बने रहो, हमें मंदिर में जाने का कोई शौक नहीं है, पुजारी बनने का कोई शौक नहीं है, हमारे सैकड़ों मंदिर हैं। अच्छा है ना, आप लोग जो यात्राएं निकालते हैं, कावड़ यात्राएं निकालते हैं, मंदिर की चाबी भी मिल जाएगी, नहीं पुजारी आप लोगों में से होगा। देखो यहाँ हमारे आए हुए हमारे वाल्मीकि मंदिर है, रविदास मंदिर है, बुद्ध मंदिर है, गॉड वो गाड़गे महाराज के मंदिर है, कबीरदास जी के मंदिर है, जारवीर बाबा के मंदिर है, हमारे पवनों के मंदिर है, हमारे देवियों के मंदिर है, हमारे मंदिर ही मंदिर है, हम वही खुश हैं। तुम अपना मंदिर अपने पास रखो, हमें तो परमानेंट नौकरी दे दो भाई, हम तो हमारे एस सी एस टी के 22.5% हमारी प्राइवेट सेक्टर में हमारा हिस्सेदारी दे दो, रिजर्वेशन लागू कर दो, हमें तो 22.5% जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उसका हमें हिस्सा दे दो, हमारे प्रोफेसर भी हैं, हमारे टीचर भी हैं, हम खुद पढ़ा लेंगे अपने बच्चों को, हमें 22.5% उसमें हिस्सेदारी दे दो, हम तो ये कह रहे हैं। मंदिर में तुम ही रहो, पुजारी भी रहो, और तुम ही भगत, तुम ही पुजारी और तुम ही प्रसाद देने वाले तुम ही रहो, ना तो हम तुम्हारे मंदिर में हम जाना चाहते हैं, ना हम पुजारी बनना चाहते हैं, ना तुम्हें हमें उसमें हमें कोई इंटरेस्ट अब बचा नहीं है। तो अब जो है देखिए, पहले राष्ट्रपति थे हमारे, अब द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ आदिवासी समाज से आती हैं, सबको तो जो है ऐसी सीटें मिल रही हैं, तो आपको परेशानी कहाँ हो रही? नहीं देखिए, पहले कोविंद साहब भी थे ना, देखिए ये समझना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टियों के बीजेपी पार्टी के राष्ट्रपति बने, अब आप यस बीजेपी पार्टी के राष्ट्रपति बने, उसने बनाया तो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, क्योंकि उनके जो एक्शन में था ना, राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल भी तोड़ा, वो एक विधायक से या आरएसएस के आदमियों से मिल रहे तो ऐसे झुक करके मिल रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक, उसका किसी से क्या लेने देना। और दूसरी बात, उन्होंने हमारे
राष्ट्रपति बना करके हमारे राष्ट्रपति जी से कहलवा दिया विज्ञान भवन में कि हमें तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, ये कोविंद साहब ने बोला राष्ट्रपति बना करके। और दूसरा मुर्मू जी बनी है तो वो आदिवासियों के जंगल जमीन के ऊपर वो हमला कर रहे हैं, उनके एक एक्ट बना रहे हैं जो उसको जो उनका जंगल पे अधिकार एक्ट है उसके विरुद्ध उसको खत्म करने के लिए एक जंगल एक्ट बना रहे हैं उनको करने के लिए, तो उस पर ठप्पा किस पे लगवाएंगे? हमारे दलित राष्ट्रपति से कहलवा दिया कि रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, खत्म करो। हमारे अभी एसटी आदिवासी महिला है, इससे आदिवासियों के जन जंगल के खिलाफ वो एक्ट बनवा के उससे सहन करवा देंगे। और जब हम विरोध करें कहेंगे अरे तुम्हारे जो दलित राष्ट्रपतियों ने कहा था, भाई तुम हमें राष्ट्रपति क्यों बना रहे हो, हमें प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे, हमें कैबिनेट में शक्ति क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि प्रधानमंत्री को और कैबिनेट को शक्ति होती है नया प्रस्ताव लाने की, नया कानून की प्रस्तावना के लिए, बिल लाने के लिए, और हमें संसद वो पास करके जब कैबिनेट पास करती है तो संसद के दोनों सदनों में पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति तो खाली रबर स्टैंप है, उसके साइन करवा लोगे आप तो भैया राष्ट्रपति तो पंडित जी बन जाओ, प्रधानमंत्री भी बन जाएगा आप में से, तो फिर पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी सुन के आप वही काम करेंगे तब भी क्या कर लेंगे? नहीं नहीं कर लेंगे, तो राष्ट्रपति होगा कम से कम उसको इतनी शर्म तो आएगी कि भाई कम से कम तू जो बिल बनेगा उसमें SC ST का, क्योंकि आर्टिकल 338 ये जो संविधान 40 है ना, हम अपने उन लोगों को भी, हम नेताओं को भी और अपने जो प्रशासन में लोग बैठे हैं उनको भी सिखा रहे हैं SC ST जो कमीशन्स बनी है आर्टिकल 338 में, उसको इतनी बड़ी पावर बाबा साहब दे गए हैं कि अगर भारत सरकार की कोई पॉलिसी या कोई नया कानून बनने से अगर आपका SC ST का रिजर्वेशन अगर उस पर सेफ गार्ड उस पर खतरे में है, वो ख़त्म होता है, तो वो SC ST जो कमीशन्स हैं उनको नोटिस दे करके उस पॉलिसी को रिव्यू करने की शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति कैबिनेट द्वारा बनाई गई संसद द्वारा पास पॉलिसी को रिव्यू करने का अधिकार बाबा साहब 338 में दे करके गए, लेकिन ये उन्हीं पार्टियों के द्वारा बनाए गए चेयरमैन मेंबर तो उन्हीं के गुलाम है वो, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भैया अपनी अलग सरकार बनाओ, स्वतंत्र सरकार, और वहाँ बैठो और अपने अधिकार को, एक बाबा साहब जो कल जो 24 सितंबर गया है पूना पैक्ट साइन हुआ था, एक तरफ इन्होंने जो छीना था हमसे सेपरेट इलेक्ट्रोल डबल वोट का राइट, बाबा साहब हमें दे गए 338 के रूप में, इतनी बड़ी शक्ति की अगर उनको पता था कि यही मनुवादी उस सत्ता में रहेंगे कब्जा इनका रहेगा, ये संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ पॉलिसी बनाए, तो मैं 338 तुम्हें दे रहा हूँ SC ST कमीशन, बुला लो इनको, रिव्यू करो और उनको खत्म करो, इतनी बड़ी शक्ति और इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम खुद बनेंगे भाई संविधान 40 से, हम अपने लोग कह रहे हैं जी। जो आप लोग मांग करते हैं तो जो संघी लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप लोग हमेशा ही भीख मांगते रहते हैं, हमेशा ही आप लोग जो है आपके अंदर काबिलियत नहीं है, लेकिन वो जो EWS सुदामा कोटा आ रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो सदियों से आनंद लूट रहे हैं, जमीनें उनके कब्जे में, धन उनके कब्जे में, और जातिगत रूप से भी वो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, जातिवाद करते हैं, आज उनको लग रहा है कि जो हमारे खरीदे हुए गुलाम थे इस भारत के संविधान में दिए हुए अधिकारों की वजह से आज ये बढ़िया बढ़िया पदों पर आ गए, चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, संतरी बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, तो आपको प्रवोक कर रहे हैं, आपको प्रवोक नहीं होना है, भीख हम नहीं लेते, हम 5000 साल से भी मेहनत करते थे और तुम हमारे अधिकार को मारते थे, हमें एक रोटी का टुकड़ा दे करके हमारे बहन बेटियां जाके तुम्हारे यहाँ काम करती थी, हमारे लोग तुम्हारे ढोर ढंगर उठाते थे, हमारे लोग तुम्हारे कपड़े धोते थे, तुम्हारी गुलामी करते थे और तुम हमारा मेहनताना नहीं देते थे, इसलिए भिखारी तुम हो, तुम मंदिरों में बैठ करके भीख मांगते हो, हम नहीं मांगते, हम मेहनत कश लोग हैं, पहले भी मेहनत करके खाते थे, आज भी मेहनत करके खाते हैं, पहले भी तुमने हमारा अधिकार छीना और आज भी ठेकेदारी ला करके निजीकरण करके तुम हमारे 50,000 रुपये महीने की उसकी हिस्सेदारी को खा रहे हो, तुमने 5,000 रुपये कर दिया, तो भिखारी तुम हो, भिखारी वो होता है जो दूसरे के अधिकार को मारे, हम भिखारी नहीं है, हम इस देश के मेहनत कश हैं और अपनी मेहनत से हम आज भी कमाते हैं और 5,000 साल पहले भी कमाते थे। सुदामा कोटा जो है ये अब जो आ रहा है सुदामा कोटा के तहत, ये EWS के तहत जो लोग आ रहे हैं अच्छा खासा पहन रहे हैं खा रहे हैं, अब उन्हें सुदामा कोटा चाहिए? नहीं देखिए आर्थिक हिसाब से जब से हुआ वैसे तो गलत था, लेकिन मैं कहूँगा उसको पॉजिटिव वे में लें, जो 10% इनको अब ये कह रहे हैं ना कि हमें रिजर्वेशन मांगते कहते हैं तुम भिखारी हो, तो भैया आप तुम भी तो हो गए 10% की लाइन में तुम भी तो खड़े हो गए ना, तुम्हारे पहली बात तो मैं सवाल करता हूँ कि तुम गरीब क्यों हुए? इस देश की पहली मनोनीत सरकार से लेकर के और पहली इलेक्टेड सरकार 1952 में जो पहली इलेक्टेड सरकार थी तब से लेकर के आज तक जिस देश में राज सत्ता पर किसका कब्जा रहा,
इन्हीं लोगों का कब्जा रहा, चाहे राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब में इन्हीं के तो लोग हैं ना। SDM, कलेक्टर, फलाने ढिकड़े, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये कैबिनेट पर, तो तुम्हारे लोग भैया गरीब कैसे हो गए? 15% के लोग, 15% के लोग, जब प्रधानमंत्री तुम्हारा, सरकारें तुम्हारी, धन पूरे तुम्हारे हाथ में, धरती सब तुम्हारे हाथ में, शक्ति, पुलिस, फौज सब है, तो उसके बाद तुम्हारे लोग कमजोर कैसे हुए? उन लोगों को सोचना है। हमसे मत मांगो भाई, हमारे 22.5% पे मत करो। तुम अपने नेताओं से पूछो कि तुम ही तो थे भाई प्रधानमंत्री संतरी, तुमने हमें कैसे गरीब कर दिया। तो सुदामा को अब हम कृष्ण से नहीं मांगना है, अब जा करके भाई उनसे मांगो, अपने विष्णु से मांगो, कृष्ण से मत मांगो। कृष्ण तो ओबीसी वाला है, हम तो बिल्कुल डिप्राइव क्लास है, हमसे कहाँ मांग रहे हो भाई। उनसे मांगो, अपने अपने विष्णु से, इंद्र से पूछो कि भाई तुमने हमें गरीब कैसे कर दिया। अपने कुबेर से पूछो, खजाने पे तो तू बैठा था, तूने हमें भूखा नंगा कैसे कर दिया 70 सालों में, हमारी गलती नहीं। अब इनको उनसे पूछना, भावना आहत हो जाएंगी, आप इतना बोल रहे हैं कि कुबेर से पूछो, इनसे पूछो। मेरा तो जीवन आहत हो रहा है, यहाँ तो हम गटर में मर रहे हैं, रोज आए दिन मर रहे हैं, हमारी जीवन, हमारे लोग भुखमरी के शिकार हैं, रोज हमारे बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, रोज जातिवाद के चक्कर में हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं, हमारे लोग, अभी हिसार में हमारे एक वाल्मीकि लड़के को मार दिया, उसकी वो FIR भी नहीं लिखी गई, हमारे लोग प्रोटेस्ट करने गए तो उनको 307 में जेल में डाल दिया। तो ये हमारे, हम तो रोज मर रहे हैं, हमारी रोज, हमारा जीवन आहत हो गया। तुम्हारी भावनाएं आहत होती रहेंगी 5000 साल से, अगर होती है तो होने दो, हमें हमारा अधिकार दे दो भाई, तुम अलग हो जाओ, हम अलग कर दो, हमें हमारा दे दो भाई, हम अपना कर लेंगे, ना तुम्हारा हमसे कुछ लेने देना, ना हमारा तुमसे कुछ लेना। 22.5% धन धरती शिक्षा में हमारा हिस्सा दे दो, बजट में इस देश के 27.5 लाख करोड़ के सालाना बजट में हमारा 22.5% हिस्सा दे दो, हम अपने बच्चे पढ़ा लेंगे, अपने नौजवान को रोजगार दे देंगे, SC ST को हम सब मिल करके हम अपने आप को चला लेंगे, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी थे, और जिस तरीके से यहाँ पर मांग और डिमांड की जा रही है कि 22.5% जो SC ST Act को दिया जाता है उसको लेकर के, अब जो है भैया जो सुदामा कोटा है वो भी आ गया है। सुदामा कोटा वाले अब जो है लगातार वहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि हमें सुदामा कोटा चाहिए, भाई 15% वालों को भी अब जो है 10% चाहिए। तो आप देखिए कि 15% वाले भी अब जो है डिमांड मांग कर रहे हैं, उन्हें भी आरक्षण चाहिए। सुदामा कोटा आखिर होता क्या है? अब यहाँ जो 22.5% कोटा वाले हैं, जिनको कोटा दिया जाता है, जो आरक्षण वाले, उनको भीख और भिखारी बोला जाता है। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये जो कोटे का और आरक्षण का जो तालमेल बनाया जा रहा है, वो आप समझिए कि किस तरीके से EWS कोटे को सुदामा कोटा कहकर मांग और डिमांड करी जा रही है। और वही लगातार अब जो है यहाँ पर संविधान चालीसा भी गढ़ी जा रही है, और जिस तरीके से लगातार संविधान को मारने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग संविधान की चालीसा पढ़कर उसको जीवित रखने का काम कर रहे हैं, उसको बनाए रखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें सभी समानता और प्रभुता से रहते आए हैं हमेशा से। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।